नहर है, इससे हम लोग को बहुत मजबूरी है कि हम लोग कभी वो पानी नहीं आता है, ना सिंचाई मिलता है, ना हम लोग खेत में पानी जाता है। ऊपर से नीचे तक अफसरशाही भरा हुआ है। नीलगाय जो है फसल को बर्बाद कर देती है। डेढ़ साल से दौड़ा रही है ना, लेकिन दे नहीं रही है। टका कटवाए रहे थे तो बोला 100 रुपया दो, 100 रुपये में नहीं दिया तो मतलब 50 रुपये ले लिया जबरदस्ती। मेरे गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वो पिछले 15 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है। अगर ट्रेन चलने लगे तो यहाँ का रोजगार बहुत बढ़ जाएगा। रोड तो बाढ़ आई तब से टूटल बा, रोड कहीं कोनो अथिये न भइल, एकर कोई ठीक जा रही भाग गई है, आ रोड जस के तस आवे जाए में कितना लोग गिरल एक्सीडेंट। जौन बड़ा नहर में से निकाल के छोटा नहर बनल, ओमे से तो हमनी के सिंचाई नहीं के मिलल, आज तक ले 40 बरस हो गए, उससे पानी से हमनी कोनो फायदा नहीं के, पानी आयल नहीं के, वो नहर ना आवेला, हमनी के बहुत दुख बा, उससे खेत फंस गए, पानी आते नहीं। नहर है इससे हम लोग को बहुत मजबूरी है कि हम लोग कभी वो पानी नहीं आता है, ना सिंचाई मिलता है, ना हम लोग खेत में पानी जाता है। अथी मेन कैनल से जो नाला निकला है उसमें आज तक पानी नहीं आया। प्रधानमंत्री से माधोपुर से ही रतन सराय ले रोड बना है, इसका जर्जर स्थिति है। गाय जो है फसल को बर्बाद कर देती है, यही सब गाँव का यहाँ का समस्या है। हमें जिन्हें बदहाल स्थिति है, इसके लिए हम लोग बहुत बार हेड मास्टर से कहे, मगर उनके काम तक जू नहीं जाता है। और व्यवस्था शिक्षा समिति जो भी होता है उसको देखना है, सब कुछ सुनना है। ऊपर से नीचे तक अफसरशाही भरा हुआ है इस सरकार। और बोल रही है कि आशा का पैसा मिल जाता है, लड़कड़ी का पैसा नहीं मिलता है, तो आशा का इंतजाम करना होता है कि बच्चा का। डेढ़ साल से दौड़ा रही है ना, लेकिन दे नहीं रही है। ऑपरेशन कराए थे इसमें सरकारी में, तो सरकारी में इसलिए ऑपरेशन कराए थे जब हमारा 10 रुपये बचत होगा, बचेगी तो हम आगे चल के बच्चों को खिलाएंगे, अपनी भी खाएगी। तो ये तो सरकारी दवाई नहीं देते हैं, प्राइवेट से 1100 का दवाई, 1200 का दवाई लिखती हैं, तो हम किस लिए आए हैं ये हमारा 10 रुपये बचने के लिए? तो हम चाहेंगे तो प्राइवेट से दवाई नहीं खरीद के अपने से खाद ले सकते हैं। टका कटवाए रहे थे तो बोला 100 रुपये दो, 100 रुपये में नहीं दिया मतलब 50 रुपये ले लिया जबरदस्ती। गांव का जो प्राथमिक विद्यालय है वो पिछले 15 वर्षों से जर्जर की स्थिति में है, उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, नहीं यहाँ के प्रेजेंट में मुखिया देखभाल कर रहे हैं, नहीं विधायक और नहीं जिला पार्षद। यहाँ की स्थिति बहुत ही निर्दयनीय है, एक तरह से कब बंद हो जाए, कब गिर जाए स्कूल, ऐसी स्थिति है। वहाँ पर जाकर देखिएगा बरसात के समय में तो लगभग थेहुना भर पानी मिलेगा, एटलीस्ट आपको थेहुना भर पानी मिलेगा वहाँ पर। वहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे, शिक्षकों की कमी है यहाँ पर। बहुत दिक्कत आता है क्योंकि वहाँ से बहुत पैसेंजर आते हैं तो उनको तकलीफ़ ये होता है कि उन्हें गोपालगंज उतरना पड़ता है, वहाँ से रात को कोई मतलब साधन नहीं है। अगर ट्रेन चलने लगे तो यहाँ का रोज़गार बहुत बढ़ जाएगा, इससे अच्छा पहले वाला ही हमारा छोटी लाइन सही था, रोज़गार बहुत था यहाँ, एनी टाइम मतलब भीड़ रहता था। ये तो कुछ नहीं है, बिल्कुल देखिए स्टेशन खाली है, कोई नहीं, पब्लिक है, दुकान वालों से जाकर पूछिए, उन लोगों का बुरा हाल है। बिहार की जनता को मिलकर अपना विकल्प बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? आशीर्वाद दीजिए किस काम को ईमानदारी से पूरा कर सके, है ना आपका आशीर्वाद, करें ना प्रयास। बिहार तब तक नहीं सुधर सकता है जब तक लोग यहाँ नहीं जगेंगे और सही तरीके से लोगों का चुनाव नहीं करेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार।